हाँ बोलो, किसी को डाउट? हाँ ठीक है, एलगी करेंगे फटाफट। किसी को डाउट है तो बोलते जाओ ना, एलगी को आज कंप्लीट करना है। चैप्टर तो सेम है, प्लांट किंगडम। तुम लोगों को कुछ होमवर्क दिया था शायद, किसी ने किया क्या? यस सर, कर लिया। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, कहाँ डिप्लॉयड, कहाँ हैप्लॉयड, कुछ मैंने ये करने के लिए बोला था, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। बोलो क्या डाउट है? सर, सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू आइडेंटिफाई। सिलेक्टेबल मार्कर ये बताएगा, दो चीज बताएगा। एक तो सिलेक्टेबल मार्कर हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है बायोटिक में, ठीक है, उसी को हम सिलेक्टेबल मार्कर के तरह यूज करते हैं। उसके दो काम, एक तो ये सिलेक्ट करना है, एक काम तो ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो सेल है ट्रांसफॉर्म्ड है, यानी किसके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड है और किसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। एक तो ये पता करना होता है, दूसरा ये पता करना है कि किसके अंदर में रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्म्ड है बट कौन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग है और किसके अंदर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए एबसेंट है। तो ये पूरा का पूरा पेज नंबर आई थिंक 199 ओवर 200, यहाँ पर टॉपिक होंगे बायोटेक के ना, जो कि थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं। हाँ, जहां पर तुमने पढ़ा होगा PBR 322 से रिलेटेड, कि यहाँ पर कुछ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पर ओआरआई साइट है ना, ऐसे कुछ पढ़े होंगे। कौन सा? तो मैं लिंक, मुझे व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा, एक लिंक शेयर कर दूंगा। एमसीक्यू है हाँ तो सर, बस, तो तो ले क्या एमसीक्यू बता रहे हो में आप? तो बस यही है कि जो सेलेक्टेबल मार्कर है वो हेल्प करता है सिलेक्शन करने में, हु इज अ ट्रांसफॉर्म, हु इज अ नॉन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लेकिन एक और ये भी वो सिलेक्ट करता है कि कौन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग है। आ गई, तो दो काम है, दिस सिलेक्ट बिटवीन द ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। एनसीईआरटी के पेज नंबर 200 पढ़ोगे तो ये वर्ड मिल जाएगा, सेलेक्ट बिटवीन द ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। चलो, और किसी को कोई मेरी डाउट है? टीचर बता रही थी कि इसका होगा आइडेंटिफाई द जीन फॉर अ डिजायर ट्रेड इन द एलियन ऑर्गेनिज्म। नहीं नहीं, ना इसमें सर? अगर आप करना ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड के बीच, ठीक है, ये भी करेगा, वो गलत नहीं, उसने जो बोला वो गलत नहीं है, वही तो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यानी फॉरेन डीएनए उसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये भी आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन उसके मेन काम है सिलेक्ट करना कि कौन ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। हाँ चलो ओके सर, थैंक यू सर। चलो, ठीक है, आगे सभी लोग इतने लेट से रहते हैं, बाकी लोग तो गायब रहते हैं, चलो अच्छी बात है। देखो, तो ये हम लोग ने एल्गी जो स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बोला था कि एल्गी के अंदर में हम लोग कई तीन पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे। एल्गी को हम लोग थ्री क्लासेस में डिवाइड करेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। सर किस बेसिस पे? ग्रीन एल्गी को एनसीईआरटी ने लिखा है, क्लोरोफाइसी अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, और ब्राउन एल्गी को एनसीईआरटी ने लिखा है फियोफाइसी, ठीक है, और एनसीईआरटी ने रेड एल्गी को लिखा है रोडोफाइसी। अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ा सा रीड किया होगा तो आपको मिले होंगे रोडोफाइसी। सर किस बेसिस पे? ध्यान सुनना, एल्गी का जो तीन क्लास में डिवीजन है वो किस बेसिस पे? तो आंसर है कि कई सारे बेसिस है, लेकिन मेन बेसिस है पिगमेंट, मेन बेसिस है बच्चा पिगमेंट है। इसके अलावा इनके अंदर में किस फॉर्म में फूड स्टोर्ड होते हैं, फूड स्टार्च के फॉर्म में होता है या लेमिनरीन के फॉर्म में होता है, मैनिटॉल किस फॉर्म में होते हैं, और इनके सेल वॉल कैसे हैं, इनके हैबिटेट कैसे है, कई सारे तरीके। लेकिन जो मेन तरीका है, वो मेन जो तरीका है क्लासिफिकेशन को, वो पिगमेंट है। सर कैसे? चलो फटाफट सीखते हैं, एक मिनट में क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो, कोई भी एल्गी हो सबके अंदर में क्लोरोफिल ए होगा, कोई भी एल्गी हो सबके अंदर क्लोरोफिल ए होगा, जान सुनना,
कोई भी एल्गी हो जिसके अंदर क्लोरोफिल ए तो सब में होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोफिल ए केवल बच्चा एल्गी में नहीं होता, जो भी ब्रायोफाइट्स होंगे उनमें भी क्लोरोफिल होगा, टेरिडोफाइट उनमें भी होगा, जिम्नोस्पर्म उनमें भी होगा, एंजियोस्पर्म उनमें भी होगा, जो भी प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर थे और फोटोसिंथेसिस करते थे उनमें भी क्लोरोफिल ए था, और बच्चा मोनेरा किंगडम में जो ब्लू ग्रीन एल्गी था वहां भी क्लोरोफिल ए था। तो मैं एक ट्रिक दे देता हूं, शायद काम आ जाए। जो भी बच्चा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जो भी अर्थ पे ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करेगा ऑक्सीजेनिक करेगा, तो उसके अंदर बच्चा क्लोरोफिल ए होना मस्ट है। तो मोनेरा किंगडम के अंदर में ब्लू ग्रीन एल्गी एडवांस था क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल ए था और वो ऑक्सीजन रिलीज करता था। प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर जो भी फोटोसिंथेसिस करेंगे वो क्लोरोफिल ए है, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। हाँ, इसके अलावा बच्चा जो भी एल्गी हो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, जो भी है बच्चा क्लोरोफिल ए रहेगा। इसलिए क्लोरोफिल ए को बच्चा मेन पिगमेंट कहते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए ही होता है। चलो, अब ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए को सपोर्ट करने के लिए, मान लीजिए बच्चे इसका चेला चपाटा है, मेन तो क्लोरोफिल ए है, ग्रीन एल्गी में बच्चा क्लोरोफिल ए को सपोर्ट करने के लिए क्लोरोफिल बी होते हैं, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी होता है और रेड एल्गी में बच्चा क्लोरोफिल डी होता है। तो मैंने क्या ट्रिक आपको सिखाया, सभी के अंदर में क्लोरोफिल ए लिख दीजिए, सभी के अंदर क्लोरोफिल ए लिख दीजिए, ये तो होना ही होना है। ग्रीन के अंदर में बी लिख दीजिए, ब्राउन के अंदर में सी लिख दीजिए और रेड के अंदर बच्चा डी लिख दीजिए। हो गई बात समझ में? अब इसके और भी चेले चपाटी हैं, यानी मेन पिगमेंट तो बच्चा क्लोरोफिल ए है, लेकिन इसके अलावा एक और चेला चपाटा है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन भी है। सर, बीटा कैरोटीन कहाँ होगा? सभी में होगा। बीटा कैरोटीन जो पिगमेंट है ना, वो सारे एल्गी में पाए जाएंगे। सर, एनसीईआरटी में कहीं कहीं लिखा है? नहीं, अब थ्योरी पढ़िएगा ना, एनसीईआरटी में तो लिखा है बीटा कैरोटीन के बारे में, हाँ, जिसको हम कैरोटीनॉइड्स भी कह देते हैं, जिसको बच्चा हम कैरोटीनॉइड्स कह देते हैं, उसको हम बीटा कैरोटीन लिख रहे हैं, एनसीईआरटी में कैरोटीनॉइड्स लिखा रहेगा बच्चा, सेम चीज है। चलिए, अब ध्यान से सुनना, ग्रीन एल्गी बच्चा ग्रास ग्रीन कलर का होता है, एनसीईआरटी पढ़ोगे ग्रास ग्रीन कलर का, क्योंकि इसके अंदर मेन जो है ना क्लोरोफिल ए के साथ बी है, मेन बच्चा ए के साथ कौन है? बी। हरे रंग के दिखते हैं इसलिए ग्रास ग्रीन कलर के दिखे। ब्राउन एल्गी के अंदर में एक एक्स्ट्रा पिगमेंट है जिसका नाम है बच्चा फ्यूकोजेंथीन, और ये दिखता है ब्राउन कलर का। अगर फ्यूकोजेंथीन का अमाउंट कम है तो ये लाइट ब्राउन दिखेगा, अगर फ्यूकोजेंथीन का अमाउंट बच्चा ज्यादा है तो ये डार्क ब्राउन दिखेगा। तो ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर का क्यों दिखता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथीन। फ्यूकोजेंथीन के चलते इनके कलर लाइट ब्राउन से लेकर डार्क ब्राउन दिख जाएंगे। आगे चलिए, अब रेड एल्गी आओ, पहले समझो, जो रेड एल्गी है ना वो समुद्र के सरफेस पे नहीं रहते, रेड एल्गी जो है वो समुद्र के गहराइयों में रहते हैं, डीप एल्गी में रहता है, डीपेस्ट कंडीशन, गहरे पानी में रहते हैं, जहां बच्चा वार्म कंडीशन है, गर्म वाला कंडीशन है, तो लाइट यहां तक पहुंच नहीं पाता, लाइट बच्चा डीप ओशन तक पहुंच नहीं पाता, तो लाइट अगर नीचे तक पहुंचेगा नहीं तो लाइट की कमी हो जाएगी, तो अगर लाइट बच्चा अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, अंदर तक पहुंच नहीं पाएगा, तो रेड एल्गी आखिर सनलाइट लेगा कैसे? इसके लिए रेड एल्गी के अंदर स्पेशल एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है आर का मतलब रेड, फाइको का मतलब एल्गी, इरिथ्रीन का मतलब रेड, फाइको इरिथ्रीन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कम लाइट को भी पकड़ सके, क्योंकि डीप पानी में लाइट कम आएगा, लाइट कम आएगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, तो स्पेशल पिगमेंट है जो कम लाइट को भी पकड़ ले, उसका नाम है बच्चा आर फाइको इरिथ्रीन, और ये रेड कलर का है इसलिए रेड है, ओवरऑल रेड कलर का दिखेगा क्योंकि ये पिगमेंट सबसे ज्यादा है, फाइको इरिथ्रीन ज्यादा है तो रेड कलर का दिखेगा। लेकिन इनके अंदर में एक और पिगमेंट होता है आर फाइकोसाइनिन, फाइको मतलब एल्गी, सियान मतलब ब्लू कलर के, कुछ एल्गी के अंदर में ये वाले फाइकोसाइनिन भी होते हैं लेकिन वो कम होते हैं, ज्यादा कौन है? रेड वाला है,
तो कैसा कलर का ओवरऑल दिखेगा? रेड कलर के दिखेंगे। तो सर फाइकोसाइनिन क्यों है? अगर एल्गी डीप कंडीशन में है, नीचे की तरफ है, तो उसके अंदर इरिथ्रिन होगा तो रेड कलर के दिखेंगे। लेकिन अगर वो बच्चा सरफेस पे है, ऊपर में है, तो सनलाइट मिल जाएगा, सनलाइट आसानी से मिल जाएगा, तो वो किसके हेल्प से फोटोसिंथेसिस करेगा? फाइकोसाइनिन के हेल्प से ना। तो ये आपको पिगमेंट याद रखना। चलो फटाफट ट्रिक याद हो गए, सभी के अंदर में क्लोरोफिल ए होगा, ग्रीन एल्गी में ए के साथ बी, ब्राउन में ए के साथ सी, और रेड में बच्चा ए के साथ डी। ध्यान से, ग्रीन एल्गी ग्रास ग्रीन का है क्योंकि क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा है, ब्राउन एल्गी में पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन, ये ज्यादा है तो ब्राउन कलर का दिखेगा, रेड एल्गी में फाइकोइरिथ्रिन है। फाइकोइरिथ्रिन क्यों है? क्योंकि ये डीप कंडीशन में रहेगा, जहां पर गर्म पानी है, लाइट पहुंच नहीं पाता, तो उस कंडीशन में लाइट को पकड़ने के लिए कौन है? फाइकोइरिथ्रिन। चलो बताओ पिगमेंट किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट बोलो। एनसीईआरटी का मैंने सारा चीज फॉलो कर दिया है, फटाफट बोलो यस नो, फटाफट मैसेज करो। देखिए मैंने यहां से कवर कर दिया आपका। लेकिन बच्चे एनसीईआरटी में ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में बच्चा टेबल में मेजर पिगमेंट लिखा है, एनसीईआरटी का देखा, अगर आपको टेबल दिख रहा होगा तो एनसीईआरटी ने मेजर पिगमेंट लिखा, यानी मेन पिगमेंट लिखा है, क्लोरोफिल ए के साथ बी, फ्यूकोजैंथिन, फाइकोइरिथ्रिन। सर आप तो बोल रहे थे कैरोटीनोइड्स भी होते हैं, होते बच्चा थ्योरी में है, वो भी पिगमेंट है, वो भी पिगमेंट है, लेकिन मेजर पिगमेंट नहीं है, यानी मेन पिगमेंट नहीं है, एनसीईआरटी ने थ्योरी में जगह दिया है, टेबल में नहीं, तो ये याद रखिएगा। चलिए तो मेरे से ये आपको याद हो जाए। चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। तो चलिए मुझे बताओ कौन ऐसा पिगमेंट है जो तीनों एल्गी में पाया जाएगा, कौन ऐसा पिगमेंट है जो तीनों एल्गी में पाए जाएंगे, फटाफट बोलो, कौन ऐसा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए। चलो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ में कौन होगा, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ में कौन होगा? बी। बोलो फटाफट बी। चलो अब बताओ ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ में कौन होगा? सी, क्लोरोफिल सी। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ कौन होगा? रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ कौन होगा? डी। चलो क्लोरोफिल डी। अब ये बताओ ब्राउन एल्गी लाइट और डार्क ब्राउन का दिखता है क्यों, ब्राउन एल्गी लाइट और ब्राउन कलर का दिखता है क्यों? तो सनलाइट को पकड़ कैसे लेता है? रेड एल्गी डीप कंडीशन में रहता है तो उसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट है, नाम है आर फाइकोइरिथ्रिन। आर का मतलब रेड, फाइको मतलब एल्गी, इरिथ्रिन मतलब रेड कलर, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट आप कहते हो। चलो याद हो जाएगा। अब देखिए एल्गी को अब आप डिवाइड करिएगा कि एल्गी का जो सेल वॉल किस चीज का बना है, ध्यान से सुनना बहुत आसान है, यानी हम लोग सबसे पहले निपटा देते हैं सेल वॉल ऑफ एल्गी। ध्यान से देखिए, तो एल्गी को मैं तीन पार्ट्स में लिख रहा हूं, ग्रीन, ब्राउन एंड द रेड, ये तीन पार्ट्स में मैंने लिख दी। ध्यान से देखिए अब क्या करना है, ग्रीन में बचा जो सेल वॉल दो लेयर के, ये हो गया इनर, ये व्हाइट वाला हो गया इनर, ब्राउन में भी दो लेयर के, ये व्हाइट वाला हो गया बच्चा इनर, रेड में भी ये इनर। सर इनर किससे बना है? सेल्यूलोज से। पहले से क्लियर कर दो, कोई भी एल्गी है सेल वॉल जो इनर पार्ट है वो सेलुलोज से बना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, व्हाइट वाला सेलुलोज से बना है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ग्रीन में जो आउटर पार्ट है, वो बना है बच्चा पेक्टोस से, वो किससे बना है? पेक्टोस से। डिफरेंस समझ में आया? चलो ब्राउन एल्गी में जो आउटर पार्ट है, ब्राउन एल्गी में वो बना है एल्जीन से, वो बना हुआ है एल्जीन से। चलिए भाई ये भी याद हो गया। चलिए अब रेड एल्गी में जो आउटर पार्ट बना है, आउटर वाला पार्ट बना है, उसे एनसीईआरटी ने लिखा है पॉलीसल्फेट एस्टर,
ईस्टर समझ में आता है ना आपको, एल्कोहल प्लस एसिड बाइंड करते तो ईस्टर बनाते हैं, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये याद रहेगा। इसी को हम लोग बच्चा अगार के नाम से जानेंगे, AGAR, अगार के नाम से जानेंगे, बाद में अगार निकालेंगे। रेड एल्गी से अगार निकाला जाता है, ब्राउन एल्गी से एल्जीन निकाला जाता है। तो बताओ सभी का सेल वॉल क्लियर है? सभी का सेल वॉल इनर जो पार्ट है वो तो सेलुलोज से बना है, वो तो सेलुलोज से बना है इनर वाला पार्ट। आउटर पार्ट ग्रीन का पेक्टोस से, ब्राउन का एल्जीन से, और रेड का बच्चा अगार से। चलो किसे किसे क्लियर हो गया फटाफट बोलो। यस सर। चलो सभी का क्लियर है, सेलुलोज, सेलुलोज एंड एल्जीन लिखा है ना एनसीईआरटी ने, ठीक है। सर एनसीईआरटी में क्लोरोफाइसी में केवल सेलुलोज लिखा है? नहीं बच्चा, थ्योरी पढ़ी, थ्योरी में ना सेलुलोज के साथ पेक्टोज वर्ड लिखा गया, ठीक है। अब देखो सेलुलोज प्लस एल्जीन और सेलुलोज प्लस पेक्टीन, पेक्टीन सब में होंगे, पेक्टीन तो सब में होंगे, एंड पॉलीसल्फेट एस्टर मेनली है बच्चा, पॉलीसल्फेट एस्टर। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब तीसरा डिफरेंस देखिए, जो एल्गी है उनके अंदर में खाना किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा? जो एल्गी है उसके अंदर में खाना यानी स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो यहां पर आपके पास कितने एल्गी बोलो फटाफट, तीन एल्गी, ग्रीन, ब्राउन और बच्चा ये रेड। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास पिगमेंट है, खाना बनाएंगे और एक्सेस खाने को स्टोर्ड कर लेंगे। तो जो ग्रीन एल्गी है वो खाने को स्टोर करेगा स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, और कुछ एल्गी फ्यू लिख दे रहा हूं, फ्यू, फ्यू जो करेगा वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। सर ऑयल ड्रॉपलेट क्या होता है बच्चा? फैट्स। ऑयल ड्रॉपलेट कहने का मतलब फैट, फैट्स के फॉर्म में, ऑयल्स के फॉर्म में कर लेगा कुछ एल्गी, मेनली बच्चा स्टार्च। ब्राउन, ब्राउन बोलेगा कि मैं करूंगा लेमिनरीन के फॉर्म में, लेमिनरीन के फॉर्म में, ठीक है। याद कीजिए इसका एक मेंबर था बच्चे लेमिनेरिया, इसका एक मेंबर था लेमिनेरिया, तो वहीं से नाम है लेमिनरीन। और कुछ जो करेंगे वो मैनिटॉल के फॉर्म में, मैनिटॉल। सर मैनिटॉल का मतलब क्या होता है? ओएल का मतलब बच्चा एल्कोहल, ओ एल, इथानॉल, याद करो प्रोपानॉल, ऑल का मतलब एल्कोहल, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट इसमें एल्कोहल है ना, तो मैनिटॉल। रेड एल्गी में देखिए एनसीईआरटी ने लिखा है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है कि इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा स्टार्च से, ये नॉर्मल कोई स्टार्च नहीं है। जो आप नॉर्मल स्टार्च सुनते हैं ये नॉर्मल कोई स्टार्च स्टार्च नहीं, ये तो इक्विवेलेंट है, ये तो बच्चा इक्विवेलेंट है, ये उसके तरह दिखता है, इसके तरह। तो अगर आपने पढ़ा होगा एक वर्ड एमाइलोपेक्टीन, जो नॉर्मल स्टार्च होते हैं ना उसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टीन होता है, उसके तरह या बच्चा ग्लाइकोजन की तरह दिखते हैं। हम लोग खाने को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये बच्चा ग्लाइकोजन या एमाइलोपेक्टीन के इक्विवेलेंट है, यानी उसके तरह है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फ्लोरिडियन स्टार्च और नॉर्मल स्टार्च क्या सेम है? बोलिएगा नो, दोनों अलग अलग चीजें। सेकेंड चीज जो अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीवीआई, जहां से नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। बोले सर क्या? ध्यान सुनना, ये बच्चा आपका मान लीजिए क्लमाइडोमोनस है, ये बच्चा आपका क्लमाइडोमोनस है, दो मूछे हैं इसकी, फ्लैजेला, दो मूछे। इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो बच्चा कप शेप का होगा, कप के तरह, जो आप देखिए मेरे हाथ में कप है ना, बस वैसा ही होगा, कप शेप का होगा। सर ये नीट में आएगा क्या? नहीं आएगा, जो अभी कॉन्सेप्ट है वो आएगा। जो बच्चा क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन वाला ना, ये बच्चा ग्रीन वाला है ना, ये क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन वाला क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। कैसा है? कप शेप का। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेशल एक स्ट्रक्चर है जो स्टोरेज करता है। सर किस चीज का? ना, यहां स्टार्च को स्टोर करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी ने उसका नाम दिया है पायरिनोइड, एनसीईआरटी ने उसका नाम दिया बच्चा पायरिनोइड। सर ये क्या होता है पायरिनोइड? सीखते हैं, यही तो क्वेश्चन आएगा। पी से पायरिनोइड, पी फोर पायरिनोइड, और पी फोर बच्चा प्रोटीन, ये बच्चा अंदर में प्रोटीन से बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। और ये जो प्रोटीन है ना थोड़ा एंजाइम की तरह काम करेगा,
और एंजाइम की तरह काम करेगा, तो ये बच्चा जो खाना बनेगा ना उसको स्टार्च में कन्वर्ट करेगा और अपने बॉडी में स्टोर कर लेगा। यानी आउटर पार्ट, बाहर का पार्ट क्या है बच्चा, स्टार्च है ना, तो मेनली काम क्या है, स्टार्च को पकड़ के रखना। लेकिन अगर ऑप्शन में स्टार्च स्टोरेज ना हो तो स्टार्च फॉर्मेशन कर दीजिएगा। कैसे, सुनिए फिर से, जो पायरिनोइड प्रोटीन का बना हुआ है थोड़ा एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, तो ये जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेंगे उसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट भी करेगा और अपने बॉडी के ऊपर में स्टोर भी कर लेगा। तो मुझे बताइए पायरिनोइड में इनर पार्ट कौन है, इनर पार्ट जो है ना वो प्रोटीन है और आउटर पार्ट कौन है बच्चा, वो कार्बोहाइड्रेट है यानी स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है यानी स्टार्च है। ये क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में स्ट्रेस दिया गया। देख लीजिए, तो हम लोग एनसीईआरटी को थोड़ा फॉलो कर लेते हैं, और ये आपका क्लोरोफाइसी। चलो फटाफट मुझे बताओ, क्या आप लोगों को एनसीईआरटी में एक चीज दिखा, पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, सम एल्गी में स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। क्या यहां क्लियर है, पायरिनोइड सबको मिल गया, फटाफट बोलो, क्या आपको पायरिनोइड मिला, फटाफट बोलो, हैंड रेज करो, बोलो फटाफट। यस सर। ठीक है, चलो yes. क्या आपको एनसीईआरटी में दिखा कि जो ग्रीन एल्गी है उसका सेल वॉल आउटर पार्ट पेक्टोज से है और इनर जो है बच्चा सेलुलोज से, क्या आपको दिख गया, दिख रहा है मुझे तो दिख रहा है, चलो पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा। चल अब देखो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करता हूं, ये बच्चा केवल ग्रीन एल्गी के लिए मैंने बोला, ये मैं केवल ग्रीन एल्गी के लिए बोल रहा हूं, ग्रीन एल्गी के लिए ध्यान से सुनना। पहले बच्चा जब क्वेश्चन पेपर टफ आते थे, नीट का पेपर थोड़ा टफ होता था, अब तो इजी होने लगे ना, जब पेपर टफ होता था तो ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि बताइए जो ग्रीन एल्गी है उनके अंदर में कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट कहां है, कप शेप्ड का कहां है, डिस्क शेप्ड का कहां है, प्लेट की तरह कहां दिखता है ना, स्टार की तरह कहां दिखते हैं ना, स्पाइरल तरह कहां दिखता है और रिबन की तरह कहां दिखते हैं। जब बच्चा जब नीट के क्वेश्चन टफ आते थे तो ये पूछा जाता था और सबका नाम था, जैसे मैंने आपको बताया बच्चा लोग कप शेप का क्लामाइडोमोनस में, क्लामाइडोमोनस में कुछ स्पाइरल होते हैं, स्पाइरोगायरा में रिबन शेप का इस तरह दिखेंगे। अब बस ये याद रखना है कि ग्रीन एल्गी में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, कप शेप के, डिस्क, प्लेट, स्टार, स्पाइरल, रिबन। सर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चे, क्या आपको एनसीईआरटी में दिखा, द पिगमेंट आर लोकलाइज इन डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट, जो पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट में है, द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड प्लेट के तरह होगा, रेटिकुलेट होंगे, कप शेप्ड होंगे, स्पाइरल होगा, रिबन होगा। मैंने बस कप याद करने के लिए बोला क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, नीट में कप शेप्ड पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको याद नहीं करना है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होगा लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलो याद कर लोगे सभी लोग, तो स्टोर्ड फूड मटेरियल सबका हो जाएगा। देख लीजिए, ग्रीन एल्गी स्टार्च, सब में ऑयल ड्रॉपलेट, ब्राउन मैनिटोल और लैमिनरीन, और थर्ड है बच्चा फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि इक्विवेलेंट है एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन का। कर लोगे, डन, बोलो फटाफट। यस सर। चलिए तो आगे चलिए हम लोग। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चा, इनका रिप्रोडक्शन डिफिकल्ट है तो आराम से मुझे 5 से 7 मिनट टाइम देना, इनका रिप्रोडक्शन डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा, हड़बड़ाना नहीं, आराम से करेंगे ना, फिर खत्म हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो गया, एल्गी फिनिश्ड, मेन रिप्रोडक्शन का खेल। तो एल्गी में रिप्रोडक्शन बच्चा कितने तरह के, ध्यान से सुनिएगा, एल्गी में बच्चा रिप्रोडक्शन 3 तरह के, और रिप्रोडक्शन मेरे में से बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए तो एल्गी का रिप्रोडक्शन 3 तरह के, सबसे पहले टूटने फूटने से होगा तो नाम होगा बच्चा वेजिटेटिव, टूटने फूटने से हुआ तो नाम होगा बच्चा वेजिटेटिव, जैसे फंगस में हुआ था, टूट फूट करके बन गए। चलिए दूसरा है बच्चा स्पोर बना के करेगा एसेक्सुअल, स्पोर बना करके करेगा तो एसेक्सुअल, चलिए स्पोर बना के करेगा तो एसेक्सुअल।
टूटने फूटने से हुआ तो वेजिटेटिव, और अगर बच्चा गैमिट बना के करेगा, अगर ये गैमिट बना के करेगा तो सेक्सुअल होंगे, अगर गैमिट बनेगा तो कैसा होगा बच्चा, सेक्सुअल। अब ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से, वेजिटेटिव का मतलब बच्चा टूटने फूटने से, एल्गी था टूट गया उससे नया एल्गी बन गया, कौन करेगा, तो ये बच्चा ग्रीन एल्गी भी करेगा, ब्राउन एल्गी भी करेगा, रेड एल्गी भी करेगा, GBR, वेजिटेटिव ग्रीन भी करेगा, ब्राउन भी करेगा, रेड भी करेगा, डन। चलिए अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चा स्पोर से होंगे, कई तरह के स्पोर बनेंगे, लेकिन बच्चा सबसे मोस्ट कॉमन स्पोर, मैं लिख रहा हूं मोस्ट, कई तरह के स्पोर बनेंगे लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर है, सबसे कॉमन स्पोर है, मोस्ट कॉमन है वो जू स्पोर है, और भी स्पोर बनते हैं लेकिन बच्चा सबसे कॉमन है वो जू स्पोर है। जू का मतलब चलने वाला, ऐसा स्पोर जो चलेगा, यानी कि जू स्पोर कैसा होगा, मोटाई, ये आपको मैंने फंगस में भी पढ़ाया था, देख लीजिए ये ऐसे, ये बच्चा ऊपर में स्ट्रक्चर बना, नाम हुआ जू स्पोर एंजियम, ये देखिए बच्चा ये हो गया जू स्पोर एंजियम, और इसके अंदर बन गया जू स्पोर, जू स्पोर, जू स्पोर में क्या है, फ्लैजला है तो ये मोटाइल है, यानी ये बच्चा जू स्पोर है तो ये कैसा स्पोर है, मोटाइल। जू का मतलब क्या होता है, चलने वाला, जू मतलब एनिमल, तो एनिमल कैसे होते हैं, चलने वाले होते हैं, तो ऐसा स्पोर जो चलेगा तो जू स्पोर। आगे बात समझ में, सर कहां कहां बनेंगे, तो याद रखिए बच्चा अभी डिस्कस करेंगे, ये बच्चा ग्रीन एल्गी में तो बनेगा, ब्राउन एल्गी में तो बनेंगे बच्चा, लेकिन रेड एल्गी में जूस्पोर नहीं बनेंगे। तो सर रेड एल्गी में क्या बनेगा, तो वहां बच्चा जूस्पोर तो नहीं बनेंगे, कुछ अलग नॉन मोटाइल स्पोर बनेंगे, रेड एल्गी में कुछ नॉन मोटाइल स्पोर बनेंगे, एनसीईआरटी में नाम मेंशन नहीं है, नाम मेंशन नहीं है, टेट्रास्पोर बनते, मोनोस्पोर बनते, आपको याद नहीं रखना है, क्या जूस्पोर बना, नहीं बना, बस इतना याद रखना है रेड एल्गी में। चलिए अब बताओ गैमेट जब बनेगा बच्चा तो तीन तरीके के, जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना क्योंकि ये ऑलरेडी आपको आता है, अगर गैमेट्स बने और दोनों गैमेट बच्चा हूबहु एक समान बने, एक समान साइज के बने, हर मामले में एक तरह के हैं, दोनों बच्चा मोटाइल हो एक समान के, या दोनों बच्चा नॉन मोटाइल हो, दिखने में हूबहु एक समान है, तो इसे कहते हैं बच्चा आइसोगेमस, इसे क्या कहते हैं, आइसोगेमस। अगर जो गैमिट है वो प्योरली पूरी तरह से दोनों एक समान दिखने में है तो आइसोगेमस। अब हो सकता है आइसोगेमस मोटाइल हो, दोनों के दोनों चलने वाले हो, और हो सकता है दोनों नॉन मोटाइल हो, दो कंडीशन। अगर एक गैमिट बच्चा बड़ा और एक गैमिट छोटे हो गए, एक बड़ा, देख लीजिए एक बड़ा एक छोटा है, तो इसी को हम लोग कहेंगे एनाइसोगेमस, इसे क्या कहेंगे, एनाइसोगेमस। आगे बात समझे, चलो अब तीसरा कंडीशन ऊगेमस, याद रखिएगा ऊगेमस सबसे एडवांस्ड है, ऊगेमस सबसे एडवांस्ड है, ऊगेमस समझिएगा ध्यान से, मैं अलग पेज पे समझा रहा हूं ऊगेमस को, ऊगेमस इतना एडवांस है, पहले समझिएगा ऊगेमस कितना एडवांस है समझा रहा हूं, ये दुनिया के सारे ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट में केवल ऊगेमस, टेरिडो केवल ऊगेमस, जिम्नो ऊगेमस, एंजियो ऊगेमस, ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो में बच्चा आइसो इन आइसो होते ही नहीं है, सबसे एडवांस वाला केवल ऊगेमस होता है, पूरा एनिमल किंगडम बच्चा, पूरे एनिमल किंगडम में केवल ऊगेमस होते हैं, तो गैमेट का सबसे एडवांस फॉर्म ऊगेमस। इसके लिए थ्री क्राइटेरिया है, तीन बच्चा क्राइटेरिया है, ऊगेमस बनना है ना तो क्राइटेरिया तीन है, बोले क्या, चलिए सबसे पहला क्राइटेरिया, जो मेल है और इधर बच्चा फीमेल, जो मेल गैमेट होगा वो छोटे होंगे और मोटाइल होंगे, जैसे हमारे अंदर ह्यूमन बींग स्पर्म छोटा होता है और मोटाइल होता है, और जो ओवम है फीमेल गैमिट है साइज में बड़ी है और नॉन मोटाइल है, साइज में बड़ी है और नॉन मोटाइल है। आगे, और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फर्टिलाइजेशन जरूरी है
कि वो फीमेल बॉडी के अंदर हो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है, वही फर्टिलाइजेशन करता है, तो ये जरूरी है कि फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही हो। अगर तीनों रूल फॉलो करेगा तो हो गया बच्चा ऊगेमस। लेकिन तीनों में मेन रूल कौन है? फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो। मेन रूल क्या है बच्चा? फर्टिलाइजेशन जब भी हो वो इनसाइड फीमेल बॉडी, इनसाइड फीमेल बॉडी। चलो बताओ किसे किसे समझ में आ गया यहां तक, ये चीज किसे किसे समझ में आ गई? फटाफट बोलो। चलो तब तक मैं पानी पी लूं। आ गया सभी को? तो बताओ एल्गी में रिप्रोडक्शन कितने तरह के थे? एल्गी में टाइप के कौन कौन? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। डन। एसेक्सुअल में मोस्ट कॉमन स्पोर कौन है? ज़ूस्पोर। और सेक्सुअल में तीन तरह के होंगे, अगर गैमिट हूबहू एक समान आइसोगैमस, अलग अलग साइज के एनाइसोगैमस, और ऊगैमस। ऊगैमस भी बच्चा एनाइसो ही तो है ना, ऊगैमस भी क्या है ना, लेकिन ऊगैमस भी एक तरह से एनाइसो है, बड़ा छोटा ही तो है। इन फिक्स्ड है कि मेल छोटा फीमेल बड़ी, मेल मोटाइल फीमेल नॉन मोटाइल, और फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर, जबकि एनाइसो में कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, मेल छोटा फीमेल बड़ी, हाँ मेल बड़ा फीमेल छोटी, एनाइसो का मतलब अलग है। चलिए अब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल पे आते हैं, तो आपको एग्जाम्पल का मैं थोड़ा ढंग से ट्रिक सिखाता हूं। देखिए ध्यान से, तो मैंने आपको बोला सेक्सुअल में, सेक्सुअल के अंदर में आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, और नई एनसीईआरटी के साथ साथ पुरानी एनसीईआरटी भी, क्योंकि तुम क्वेश्चन बनाओगे तो पुरानी एनसीईआरटी कभी मिलेगा, और नई एनसीईआरटी में चेंज हो गया है। तो तीन हो गए, आइसो, एनाइसो और ऊगेमस। चलिए ध्यान से सुनिएगा, आइसो बच्चा दो तरीके के, अगर दोनों गैमेट मोटाइल हैं, आइसो है सिमिलर है बट मोटाइल है, और दूसरा सिमिलर है बट नॉन मोटाइल है। तो एनसीईआरटी ने मोटाइल का एग्जाम्पल दिया बच्चा स्पायरोगायरा, बस यही याद रखना है स्पायरो, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ तो यहां पर लिखना है आपको यूरोथ्रिक्स, और नॉन मोटाइल में लिखना है आपको स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा वाला बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पायरोगायरा वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बीवीआई में लिख देता हूं, आइसोगेमस है बट नॉन मोटाइल। एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल, एनाइसो आइए, एनाइसो का एग्जाम्पल नई एनसीईआरटी बच्चा, न्यू एनसीईआरटी, उसने अपना एग्जाम्पल चेंज कर दिया है, पहले नया था, पहले दूसरे एग्जाम्पल थे, वो बता रहा हूं, नई एनसीईआरटी में आया यूडोरीना, ये शायद नाम पहले बार सुना होगा, यूडोरीना आपकी नई एनसीईआरटी में मिलेगा, यूडोरीना। ये होता है क्या सर? ये ग्रीन एल्गी बच्चा, ग्रीन एल्गी है। चलो ऊगेमस का, मान लो बच्चा तुम डॉक्टर बन गए, तो मान लो बच्चा तुम्हें बोला गया विदेश जाइएगा, फॉरेन जॉब करने के लिए विदेश जाइएगा, बोले हाँ जाएंगे, तो आपको वीजा दिया गया, क्या दिया बच्चा? वीजा, वीजा। लेकिन जैसे ही वीजा खोला तो दिखा बच्चा, वीजा जानते कहां का दिया है? अफगानिस्तान का। क्या तुम जाओगे? बोले सर मरना थोड़ी है, थोड़ी ना जाएंगे हम, वीजा फेंक देंगे। तो वीजा को लीजिएगा और फेंक दीजिएगा, हो गया बच्चा, वीजा लेना है और बच्चा फेंक देना है, वीजा फेंको, याद हो जाएगा। सर कौन कौन हो गए एग्जाम्पल? वी फॉर बच्चा वॉल्वॉक्स, याद आया आपको, एसे फॉर सारगेसम, एसे फॉर सारगेसम, और एफ फॉर बच्चा फ्यूकस, फ्यूकस, और सीओ फॉर बच्चा कोकीफेरा, इसकी कहानी अलग से पढ़ेंगे, कोकीफेरा मैंने वर्ड आपसे डिस्कस नहीं किया, इसे अलग से पढ़ते, कोकीफेरा की कहानी क्या है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी पहले न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी में आइसो का एग्जांपल हो गया ना, आइसो प्लस मोटाइल यूरोथ्रिक्स, आइसो नॉन मोटाइल स्पायरो वगैरह, इन आइसोगेमस के एग्जांपल यूडोरिना, और ऊगेमस के बच्चा वीजा वॉल्वॉक्स सार्गेसम फ्यूकस कोकीफेरा, पहले एनसीईआरटी से मैच कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे पुरानी एनसीईआरटी की।
हम इसके बाद, चलिए चलिए पढ़िए तो फटाफट, पढ़ो फटाफट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, बताया, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर प्रोड्यूस इन ज़ूस्पोरेंजिया, बोला था ना ज़ूस्पोरेंजिया। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप, ठीक है एक मिनट में तो यहां पढ़ रहा हूं, मुझे यहां बस पढ़ना था, वही तो मैं देखू स्टेटमेंट चेंज क्यों हो गया। हाँ यहां है, हाँ यहां देखिए, यहां द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन, आगे इच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस, फ्रेगमेंट टूटा नया एल्गी बन गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप स्पोर, बनेंगे कई तरह के, मोस्ट कॉमन बोला था ना मोस्ट कॉमन ज़ूस्पोर ब्लैक पॉइंट। दे आर फ्लैजेलेटेड, क्योंकि चलेंगे पानी में है ना, एल्गी पानी में रहता है तो चलने वाला ही तो बनना चाहिए। एंड ऑन जर्मिनेटिंग गिव राइज टू न्यू प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दिस गैमेट कैन बी फ्लैजेलेटेड, यानी कि मोटाई एंड सिमिलर इन साइज, यूलोथ्रिक्स आइसोगेमस है बट मोटाइल है यानी चलने वाले, तो कैसा हो गया यूलोथ्रिक्स एंड नॉन फ्लैजेलेटेड नॉन मोटाइल है तो हो गया बच्चा स्पाइरोगैम। सच रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, अलग अलग साइज के इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना, आ गया ना यूडोरिना। एंड फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज ओगेमस वॉल्वॉक्स फ्यूकस। बताओ पूरा का पूरा किसे समझ में आ गया, पूरा मैंने एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी डिस्कस कर दी, बोलो फटाफट सारे एग्जांपल मैंने याद करा दिया, याद कर लिया सबने, अब पुरानी एनसीईआरटी याद करा दूं? यस सर, ये नई एनसीईआरटी थी, अब पुरानी एनसीईआरटी। अब हम लोग करेंगे पुरानी एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी के एग्जांपल को सीखिए। बनाओगे ना तो मिलेगा ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। एल्गी का रिप्रोडक्शन तीन तरह के, एल्गी का रिप्रोडक्शन तीन तरह के, आइसो एनाइसो और ये ओगेमस। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनिए, आइसो का एग्जांपल है बच्चा क्लामाइडोमोनस, नई एनसीईआरटी ने हटा दिया है पुरानी एनसीईआरटी क्लामाइडोमोनस। इन आइसो का एग्जांपल क्लामाइडोमोनस, ठीक है। ओगेमस का एग्जांपल क्लामाइडोमोनस, क्लामाइडोमोनस। बोले सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप, मजाक नहीं बच्चा सीरियस बात कर। क्लामाइडोमोनस एक जीनस है और उसके बच्चा स्पीसीज, क्लामाइडोमोनस बच्चा जीनस है, वो बच्चा उसके कुछ स्पीसीज आइसोगेमस करते हैं, कुछ एनाइसोगेमस करते हैं और कुछ बच्चा ओगेमस करते हैं। यानी क्लामाइडोमोनस तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो करता है, यही तो ब्यूटी है। क्लामाइडोमोनस कोकीफेरा जो है, कोकीफेरा जो है ना, कोकीफेरा जो है वो बच्चा करेगा ओगेमस, क्लामाइडोमोनस बच्चा ब्राउनी, क्लामाइडोमोनस ब्राउनी, बी के बाद सी आता है ना, पहले बी मैंने लिखा फिर मैंने सी लिखा, क्लामाइडोमोनस ब्राउनी वो बच्चा करेगा एनाइसोगेमस। और क्लामाइडोमोनस बच्चा डेब्रियानम, डेब्रियानम याद नहीं करना है, याद नहीं करना है आपको, इसलिए क्लामाइडोमोनस में तीनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तो ये बच्चा आइसो भी है एनाइसो भी ओगेमस भी है। तो नई ओल्ड एनसीईआरटी में बच्चा क्लामाइडोमोनस के बारे में अच्छी खासी बातें लिखी गई थी। तो तुम बोलोगे सर क्लामाइडोमोनस के बारे में नई एनसीईआरटी में क्यों नहीं है, फिगर भी नहीं है सर, नई एनसीईआरटी में क्लामाइडोमोनस का फिगर भी नहीं है, क्यों तुम बताओ थोड़ा सोच करके। क्लामाइडोमोनस का फिगर भी नहीं है, रिप्रोडक्शन भी हटा दिया गया, क्यों? क्योंकि इसका आंसर मैंने पहले दिया था, क्लामाइडोमोनस बच्चा यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है और रियल में विटेकर के अकॉर्डिंग तो ये तो प्रोटिस्टा किंगडम में है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्लामाइडोमोनस प्लांट किंगडम का है या प्रोटिस्टा किंगडम का है,
इसलिए एनसीईआरटी ने क्लैमाइडोमोनस को धीरे धीरे हटा रहे, वो एक्चुअली तो प्रोटिस्टा किंगडम का है ना, यूनिसेलुलर है, ठीक है, इसलिए नई एनसीईआरटी में क्लैमाइडोमोनस को हटा दिया गया, उसके रिप्रोडक्शन को हटा दिए गए, लेकिन नीट के क्वेश्चन में पूछा गया है और बनाइएगा जरूर। तो देखिए यहाँ पास क्या, यहाँ पर इवोल्यूशन नहीं दिखने को मिला, क्लैमाइडोमोनस बच्चा इवोल्यूशन दिखा रहा है, आइसो भी कर रहा है, इन आइसो भी कर रहा है, ओगेमस भी कर रहा है, तीनों कर रहे हैं ना, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ये बच्चा ओल्ड एनसीईआरटी। अब मैं ट्रिक दे दूं, फटाफट बोलो। यस सर। अब मैं एक साथ सभी को रिवाइज करा देता हूं, बस मुझे 2 मिनट और दीजिएगा, है टाइम है हमारे पास, कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत, ध्यान सुनना। मैं यहां पर एल्गी के, ग्रीन एल्गी के रिप्रोडक्शन पे बात करूंगा, ग्रीन, ब्राउन और बच्चा रेड, ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट लगेगा, याद हो जाए। मैं यहां ग्रीन एल्गी के रिप्रोडक्शन पे बात करूंगा, ब्राउन पे बात करूंगा, रेड पे बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहला बच्चा वेजिटेटिव तरीका, पहला है वेजिटेटिव, पहला तरीका है वेजिटेटिव, ठीक है। दूसरा तरीका है एसेक्सुअल, दूसरा तरीका है एसेक्सुअल, और तीसरा तरीका है बच्चा सेक्सुअल, तीसरा तरीका है बच्चे लोग सेक्सुअल, ध्यान सुनना, बहुत आसान है बच्चा, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स, याद हो जाएंगे। ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव यस, ब्राउन यस, रेड यस, कैसे होगा बच्चा, फ्रेगमेंटेशन, 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 डन। चल एसेक्सुअल पे आओ, एसेक्सुअल यहां बनेगा बच्चा जूस्पोर, बता रखा था आपको जूस्पोर, यहां बच्चा जूस्पोर, जूस्पोर, ठीक है, और यहां बच्चा नॉन मोटाइल स्पोर, जूस्पोर नहीं बनेंगे, जू तो चलने वाला होता है, यहां पर बिना चलने वाले स्पोर बनेंगे, नॉन मोटाइल स्पोर। सर नाम याद नहीं रखना है क्या, नहीं, एनसीईआरटी में केवल बच्चा नॉन मोटाइल स्पोर होते बच्चा, नाम है मोनोस्पोर, टेट्रास्पोर, आपको मत याद करो ना, नॉन मोटाइल स्पोर हो गए। चलिए अब आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसो भी करेगा, कुछ मेंबर एनआइसो, कुछ मेंबर ओगेमस, डन। ग्रीन में कुछ मेंबर आइसो, कुछ एनआइसो, कुछ ओगेमस, ब्राउन कुछ मेंबर आइसो, कुछ मेंबर एनआइसो, कुछ मेंबर ओगेमस, डन। रेड ओनली ओगेमस, ओनली ओगेमस, ओनली ओगेमस, क्या याद हो जाएगा, क्या याद हो जाएगा बच्चा, आसान है ओनली ओगेमस, लेकिन एक रूल है, बोले क्या रूल है सर, ओगेमस में मैंने आपको क्या बोला था, 3 क्राइटेरिया, लेकिन यहां जो मेल गैमेट्स होगा, मेल गैमेट्स होगा बच्चा वो नॉन मोटाइल होगा, जो मेल गैमेट्स होगा नॉन मोटाइल होगा, सर पानी से जाएगा क्या, कैसे जाएगा, पानी के बहाव से बच्चा, पानी के प्रेशर से फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तभी तो ओगेमस है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, लेकिन मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल है। सर ये एनसीईआरटी में लिखा है, हाँ बच्चा लिखा है, ये एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए मुझे बताना पड़ा। चलो ध्यान सुना, कोई भी एल्गी बच्चा, कोई भी एल्गी इम्ब्रियो नहीं बनाता, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बच्चा मेल गैमेट्स, ये बच्चा मेल गैमेट्स स्पर्म, ये बच्चा फीमेल गैमेट ओवम, मेल और फीमेल फ्यूज किए बन गए बच्चा जाइगोट, क्या बन गया बच्चा जाइगोट, ट्विन जाइगोट, ये जाइगोट बच्चा कोई इम्ब्रियो नहीं बनाएगा, जैसे हमारे अंदर जाइगोट से इम्ब्रियो बनते हैं, यहां बच्चा कोई जाइगोट इम्ब्रियो नहीं बनाएगा, जाइगोट से इम्ब्रियो नहीं बनेंगे, एल्गी में इम्ब्रियो नहीं बनते, लेकिन रेड एल्गी बच्चा, रेड एल्गी इम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, रेड एल्गी इम्ब्रियो लाइक कोशिश करेगा बच्चा, बना नहीं पाएगा, कोशिश कर रहा हूं, मैंने नीट का एग्जाम दिया, फेल कर गया, कोशिश किया ना बच्चा, कोशिश तो किया ना, बाकी लोग तो कोशिश भी नहीं करते, तुम बच्चा पढ़ाई करने की, नीट की तैयारी की कोशिश तो कर रहे हो तभी तो सक्सेसफुल हो गए, और कुछ बच्चे तो कोशिश भी नहीं करते, तो रेड एल्गी बच्चा सबसे एडवांस था, उसने बच्चा कोशिश की, फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्ब्रियो बनाने की कोशिश की, बना नहीं पाया, तो एनसीईआरटी को लिखना पड़ा, एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा, दे शो पोस्ट, पोस्ट का मतलब बाद में,
फर्टिलाइजेशन के बाद में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद में उन्होंने कुछ इवेंट शो किए, इम्ब्रियो बनाने की कोशिश की, तो एनसीईआरटी का एक वर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट रेड एल्गी में। क्या ये आपको क्लियर हो गया? बोलो फटाफट। यस सर। ये आपको क्लियर हो गया? क्या आपको रेड एल्गी में ऐसा दिखता है? चलिए, ये बच्चा रेड एल्गी का रिप्रोडक्शन का तरीका दे रखा है, पढ़िए फटाफट। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर, बोला था सेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगेमस, केवल ऊगेमस, एकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद में कुछ डेवलपमेंट शो करेगा, इवेंट शो करेगा, इम्ब्रियो बनाने की कोशिश करेगा। डन, ठीक है। तो मेरे से सभी को याद हो जाएंगे रिप्रोडक्शन के तरीके? यस सर। चलिए, तो एक चीज मैं यहाँ पर नया चीज ऐड करूं, टेंशन मत लेना, ध्यान सुनो, नया चीज बता रहा हूं, टेंशन मत लेना, समझना चीजों, ध्यान सुनो। ग्रीन एल्गी में जू स्पोर बना बच्चा, जू स्पोर बने, और ब्राउन में भी जू स्पोर बना। ग्रीन एल्गी में बच्चा, ठीक है, यहां पर बच्चा कुछ इस तरह का पिरामिडल बनेगा जू स्पोर, और ब्राउन में बच्चा कुछ पियर शेप्ड के बनेंगे। एनसीईआरटी पढ़ोगे बच्चा तो पियर शेप्ड का लिखेगा, पियर शेप्ड के लिखेंगे। ग्रीन एल्गी में जो जू स्पोर बना है उनपे बच्चा फ्लैजला एपेक्स से निकलेगा, टिप से निकलेगा, और ब्राउन एल्गी में जो फ्लैजला है बच्चा वो साइड से निकलेगा, साइड से निकल रहे, और ग्रीन एल्गी में बच्चा एपेक्स से निकल रहा है। ग्रीन एल्गी में जो बच्चा फ्लैजला निकलेगा वो इक्वल साइज के होंगे, ब्राउन में बच्चा एक छोटा एक बड़ा होगा। क्या बच्चा साइज का डिफरेंस आया, पोजीशन के डिफरेंस आए, एपेक्स से था साइड पोजीशन से, और यहां बच्चा फ्लैजला का नंबर 2 to 8 होगा, या तो 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 8 होंगे। जू स्पोर बच्चा ब्राउन एल्गी में फिक्स है, ओनली 2 होगा, केवल 2 होंगे, लेकिन वो साइड से निकलेंगे और एक छोटा एक बड़ा होगा। क्या इतना बात आपको याद रह जाएगा? क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? तो डन हो जाएगा बच्चे, देख लीजिए, फिर से बोल रहा हूं। ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजला निकलेगा वो टिप से निकलेगा, देख लीजिए भाई, टिप से निकाला था, टिप से निकाला था, और ब्राउन एल्गी में बच्चा साइड से निकलेंगे, पहला डिफरेंस। ग्रीन एल्गी में फ्लैजला जो होगा बच्चे इक्वल साइज के होंगे, ब्राउन में एक छोटा एक बड़ा अनइक्वल। ग्रीन में जो फ्लैजला होंगे नंबर बच्चा 2, 4, 6, 8 हो सकते हैं, ब्राउन में केवल 2 होंगे और अनइक्वल होंगे। सेम चीज बच्चा, सेम चीज ब्राउन एल्गी जब गैमेट्स बनाएगा ना, तो सेम चीज याद रखिएगा कि वहां भी बच्चा पियर शेप्ड के बनेंगे, पियर शेप्ड के बनेंगे, और जो फ्लैजला होगा वो साइड से निकलेगा, नंबर में 2 होंगे और अनइक्वल होगा। ये मैं नहीं कह रहा, आपके एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से दे रखा है, अब पढ़िए देखिए ध्यान से, तो आपको एनसीईआरटी में ये चीज मिलेगा। ध्यान से देखिए, आपको यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, देखो देखो ध्यान से, क्या आपको एनसीईआरटी में लिखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ये तो सबको याद है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गीज बाय फ्लैजलेट जू स्पोर, बोला था ना 2 ही फ्लैजल होंगे, दे आर पियर से, पियर के तरह, हैव टू अनइक्वल, अलग अलग साइज के, एंड लैटरली अटैच, वो साइड से अटैच होंगे ना कि एपेक्स से अटैच होंगे। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसो एनाइसो उगेमस, बोला था ब्राउन में 3 है। यूनियन ऑफ गैमेट मे टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम, कहने का मतलब है अगर बच्चा आइसोगेमस है तो बाहर निकले दोनों फ्यूज हो गए, एनाइसोगेमस है बाहर निकले फ्यूज हो गए, लेकिन ऊगेमस है फीमेल बॉडी के अंदर होना है, अगर ऊगेमस है तो फीमेल बॉडी के अंदर होगा ना, फीमेल बॉडी में सेक्स ऑर्गन है, जैसे ह्यूमन बीइंग में कहां होता है रिप्रोडक्शन,
फर्टिलाइजेशन का होता है फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ओवरी में होता है ना, फ्लैपियन ट्यूब में ही तो होते हैं। लिखा है ना ऊगेमस में इनसाइड होगा। द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, बताया था पियर की तरह। बियर टू लैटरल अटैच फ्लैजेला, दो साइड से होंगे। और एग्जांपल आपको याद हो गया क्या बच्चा, रिप्रोडक्शन अब पढ़ लोगे, बोलो फटाफट। यस सर। ठीक है ये बच्चा ये अच्छे से कर लेना ना। चलिए अब छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है अब लगभग तुम्हारा सारा चीज क्लियर हो गया। बस दो मिनट का जनरल इंफॉर्मेशन एक बार हम लोग रिवाइज कर लें, रिवीजन में क्या है, हाँ एक बार रिवाइज कर लेते। ये देखिए एल्गी, हम एल्गी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किए, एक का नाम ग्रीन, एक का नाम ब्राउन और एक का नाम रेड। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। जो रेड होता है, जो बच्चा रेड होता है इसे हम कहते हैं ये बच्चा डीपेस्ट एल्गी, क्योंकि ये गहरे पानी में पाया जाएगा। जब आप क्लास 12 इकोलॉजी पढ़ोगे, जब क्लास 12 की इकोलॉजी पढ़ोगे तो पूछेगा एनसीईआरटी में क्या आप तीनों एल्गी को अरेंज कर सकते हो। तीनों एल्गी को अरेंज करने का मतलब ओशन में सबसे ऊपर में ग्रीन होंगे, फिर कौन होगा ब्राउन होंगे, और सबसे डीप में कौन होंगे रेड होंगे। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 12 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप वहां अरेंज करके दे दीजिएगा ना। आंसर नहीं दिया एनसीईआरटी ने, बोला आपने तो पढ़ा है प्लांट किंगडम में, बताइए आंसर, चलिए कर दीजिएगा। और ये सबसे डीप पानी में रहेंगे तो यहाँ गर्म जगह रहेंगे तो ये हो जाएगा वार्मेस्ट एल्गी, वार्म कंडीशन में रहेंगे। और जो एल्गी बच्चा गर्म पानी में है, डीप पानी में है, तो उसके अंदर में तो प्रिमिटिव फीचर हो गए ना, जैसे कि आर्किबैक्टेरिया कहाँ रहता था गर्म कंडीशन में, कहाँ रहता था डीप कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में। इसलिए रेड एल्गी को हम कहता हूं सबसे प्रिमिटिव एल्गी, ये बच्चा सबसे प्रिमिटिव एल्गी है। पिगमेंट भी देखिए ना, फाइकोएरिथ्रिन कहीं नहीं पाया जाता, दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, रेड एल्गी में होता है। तो हर मामले में रेड एल्गी सबसे पुराना एल्गी है तो प्रिमिटिव एल्गी, वार्म कंडीशन में रहेगा वार्मेस्ट एल्गी, डीप कंडीशन में रहेगा डीपेस्ट एल्गी, फाइकोएरिथ्रिन होते हैं। चलिए लेकिन बच्चा हर मामले में इनमें कैरेक्टर प्रिमिटिव है, लेकिन बच्चा रिप्रोडक्शन के मामले में सबसे एडवांस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे एडवांस नहीं था क्या, देखो ध्यान से, इनके अंदर में पाया गया था बच्चा ओनली ओगेमस, और दूसरा कोई करते ही नहीं थे, ओनली ओगेमस था। और ये बच्चा फर्टिलाइजेशन के बाद इम्ब्रियो बनाने की कोशिश किया था, किसी ने कोशिश भी नहीं किया। तो याद करो फंगस में भी मैंने बोला था ड्यूटेरोमाइसिटी बेटा हर मामले में एडवांस था, लेकिन रिप्रोडक्शन में सबसे वीक था। वैसे ही यहां पर कुछ हो रहा है, यहां पर हर मामले में ये प्रिमिटिव है, रहने के मामले में देख लो, पिगमेंट के मामले में देख लो, फूड के मामले में देख लो, सेल वॉल के मामले में देख लो, कॉम्प्लेक्स सेल वॉल है, फूड भी स्टोर्ड कॉम्प्लेक्स करता है हर मामले में, लेकिन रिप्रोडक्शन सबसे एडवांस है क्योंकि केवल ओगेमस करता है और इम्ब्रियो बनाने की कोशिश करता है। ओके चलिए ब्राउन एल्गी को बच्चा ही सबसे मतलब नहीं, ब्राउन एल्गी में दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ये लार्जेस्ट होता है, बड़े बड़े साइज के होते हैं, याद करो ब्राउन एल्गी के कुछ मेंबर तो 100 मीटर तक बड़े होते हैं, 100 मीटर तक बड़े होते हैं, जिसे आप केल्प के नाम से जानते हो, याद है केल्प के नाम से, ठीक है। और जो ब्राउन एल्गी का फिगर एनसीईआरटी ने बनाया है, ध्यान सुनना, समुद्र की गहराई में रहते हैं, तो ये बच्चा जहां समुद्र है ये बच्चा रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम देंगे होल्ड फास्ट, रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जुड़ने के लिए होल्ड फास्ट, स्टेम के तरह होगा स्टाइल स्टाइल, और यहां लीफ के तरह स्ट्रक्चर होंगे जिसका नाम होगा बच्चा फ्रॉन्ड, एफ आर ओ एन डी, एनसीईआरटी में ब्लैकपन भी लिखा था। तो जो ब्राउन एल्गी है उसकी बॉडी की बनावट देखिए, तो यहां पर रूट के तरह होगा कौन, होल्ड फास्ट, स्टेम के तरह कौन है स्टाइप, और बच्चा लीफ के तरह कौन है फ्रॉन, ये याद रहेगा। लेकिन मैं अब एक यूनिक चीज तुम्हें दिखा रहा हूं, ये एनसीईआरटी का यहां देखिए एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से लिखा है स्टाइप फ्रॉन, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज नया दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से, क्या ये आपको ब्राउन एल्गी दिखा, क्या होल्ड फास्ट दिख रहे हैं पहले फिगर में, ब्राउन एल्गी तीन फिगर है, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रॉन दिखा सभी को, दूसरा फिगर देखे होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रॉन्ड है, सर एयर ब्लैडर के जो फ्रॉन्ड है यानी लीफ है
उसके अंदर बचा एयर भरे, एयर ब्लडर, जिससे वो हल्का हो जाएगा। हम लोग बुलेट हम लोग समुद्र में जाते हैं तो क्या करते हैं, जैकेट पहन लेते हैं जिससे कि वो हल्का हो जाए, हम लोग पानी में तैरने लगे तो एयर ब्लडर में क्या होगा, हल्का बनाने के लिए। तीसरे फिगर को देखिए, तीसरे फिगर में क्या बचा, होल्ड फास्ट। तीसरे फिगर में बचा होल्ड फास्ट नहीं है, स्टाइप है, फ्रॉन्ट है। देख लो एनसीईआरटी का फिगर, तीसरे फिगर में स्टाइप है, फ्रॉन्ट है, तो सर होल्ड फास्ट क्यों नहीं है? लॉजिकल आंसर देना, लॉजिकल आंसर दीजिएगा। देखिए उसका आंसर क्या है, समझो लॉजिक को। ये बचा, ये देखिए ये समुद्र है, तो समुद्र में बच्चा जहां देखिए ये यहां तक पानी भरा है, यहां तक देखिए मान लीजिए पानी भरा है, ठीक है। तो समुद्र में जहां बच्चा गहराई कम है, यहां बच्चा होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट बन गए। लेकिन बच्चा जहां समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा है, अगर समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा है तो इतना लंबा एल्गी थोड़ी बनेगा, तो यहां पर इसने बना लिया फ्रॉन्ट, बना लिया स्टाइप, बना लिया मजे से। इसको होल्ड फास्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसको क्या जोड़ना है, समुद्र की गहराई में कितना गहराई जाओगे? समुद्र की गहराई तो इतनी बड़ी है, क्या इतनी गहराई तक जा सकते हो? नहीं, तो बस इतना दूर तक ही रहेगा। आगे बात समझ में? तो हो सकता है कि कुछ में होल्ड फास्ट हो जुड़ने के लिए और कुछ में होल्ड फास्ट एब्सेंट हो। चलिए आगे बात समझ में, फटाफट बोलो। एनसीईआरटी का फिगर था, एक्सप्लेन हो गया। होल्ड फास्ट रूट की तरह काम करेगा जुड़ने के लिए, ठीक है। अरे वीवीआई का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, वीवीआई का मतलब मैंने बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नीट में आ सकते हैं। चलो यहां तक क्लियर है सभी को, बोलो यस सर। हां चलो, अब देखिए ग्रीन एल्गी को कहते हैं बच्चा, ये हर मामले में एडवांस्ड है। बोले सर कैसे? ग्रीन एल्गी हर मामले में एडवांस्ड है, और ये बच्चा ये हायर प्लांट से मैच करता है, हायर प्लांट से मैच करता है। इसे हम लोग कहते हैं ग्रीन एल्गी से इवोल्यूशन होकर के ब्रायोफाइट्स बने। आखिर ब्रायोफाइट बना तो किसके किसके इवोल्यूशन से बना? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो आप आंसर करके आना ग्रीन एल्गी। सर क्यों? समझना ध्यान से। सबसे पहले ग्रीन एल्गी के अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी, हायर प्लांट में भी तो क्लोरोफिल बी होते हैं, हायर प्लांट से इनका पिगमेंट मैच करता है। दूसरा, हायर प्लांट से इनका कलर मैच करता है। आम का पेड़ है वो भी ग्रीन कलर का दिख रहा है, आम का पेड़ वो भी ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीन एल्गी वो भी ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, यानी कलर मैच किया। जो हायर प्लांट है वो भी खाने को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये भी स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। जो हायर प्लांट है उनका सेल वॉल भी सेलुलोज प्लस पेक्टोज का बना होता है, इनका भी बना होता है। तो आपको दिखा नहीं, हर मामले में ये बच्चा किससे मैच कर रहा है? हायर प्लांट से। कलर का मामला हो, पिगमेंट का मामला हो, स्टोर्ड फूड मटेरियल का मामला हो, सेल वॉल का मामला हो, हर मामले में ये हायर प्लांट से मैच करता है, तो इसलिए कहेंगे एडवांस। रेड एल्गी बच्चा हर मामले में पुराना है, पुराने जगह पे रहता है, लेकिन एक मामले में एडवांस है, वो है बच्चा रिप्रोडक्शन। चलो क्लियर है? डन कर लोगे? डन सर, यस ठीक है, कर लोगे? कोई डाउट बोलो फटाफट। नो सर, वो होल्ड फास्ट वाला सर एक और बार रिपीट कर दो। अरे होल्ड फास्ट ना रूट की तरह है, ध्यान से देखिए, होल्ड फास्ट है ना, देखिए ये समुद्र है, ठीक है, पानी यहां तक भरा है, ठीक है, यहां तक पानी भरा है, ठीक है। अब देखिए समुद्र की गहराई कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, आपने पढ़ा है ना। देखिए समुद्र की गहराई यहाँ पर ज्यादा है, देख लीजिए समुद्र की गहराई यहाँ पर ज्यादा बना, यहाँ पर समुद्र की गहराई थोड़ी ज्यादा है, देख लीजिए यहाँ पर समुद्र की गहराई ज्यादा है। तो जो समुद्र की गहराई कम है, तो यहाँ देखिए रूट की तरह हो गया, तो होल्ड फास्ट, ये होल्ड फास्ट, ये हो गया स्टाइप और ये हो गया फ्रॉन्ट। हाँ चलिए, यहाँ पर समुद्र की गहराई ज्यादा है तो यहाँ पर फ्रॉन्ट तो बनाइए, फोटोसिंथेसिस करना है सरफेस पे तो आना पड़ेगा, स्टाइप तो बनाया, लेकिन बच्चा होल्ड फास्ट क्यों बनाएगा, इतना लंबा क्यों बनाएगा ना, इतना लंबा क्यों बनाएगा? तो होल्ड फास्ट काम करेगा रूट के तरह, ये होल्ड फास्ट रूट के तरह काम करने के लिए, ये स्टाइप स्टेम के तरह काम करने के लिए, और ये फ्रॉन्ट लीफ के तरह काम करने। अब लेकिन लीफ में क्या होने चाहिए,
लीव तैरते रहना चाहिए, हल्का होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या बना होगा, एयर ब्लडर। डन, अब समझ में आ गई बात। चलो और किसी को कोई डाउट हो बोलो फटाफट, बाकी तो अब हो गया। किसी को डाउट है फटाफट बोलो। और सर पेक्टोस, पेक्टोस, पेक्टोस एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, पेक्टोस एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो आउटर सेल वॉल में पेक्टोस होते हैं। अब पढ़िएगा सेल वॉल, जब पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर में तो पेक्टोस पेक्टीन ये सब पढ़ आएंगे। कर लोगे यहां तक सभी लोग, तो स्लाइड को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो बच्चों ने बच्चा मेन चैप्टर का ना स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का रिलेशन है कि कहां पर माइटोसिस कहां मियोसिस, कहां पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट कहां पर गैमेटोफाइट डोमिनेंट, तो मैंने पिछले क्लास में लिंक भेजा था, फिर से बच्चा देख लीजिएगा, आधे घंटे एक घंटे का वीडियो होगा ना, देख लीजिएगा ना, तो बेटर रहेगा, आपको चीजें आसानी से समझ में आएगी। तो जिन बच्चों ने नहीं किया होगा स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट वाला, वो बच्चा जरूर देख लीजिएगा, बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ बोलो सर, आपने पीडीएफ सेंड करी थी, उसमें से 83 क्वेश्चन पूछना था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में से। मुझे ऐसा करो ना, ग्रुप में या मुझे व्हाट्सएप कर, तो मैं आंसर दे देता हूँ वॉइस नोट्स में। ओके सर, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। हाँ, किसी को भी कोई डाउट हो तो ग्रुप में सेंड कर दो, किसी बच्चों को कोई डाउट है तो ग्रुप में सेंड कर दो, मैं वहां पर वॉइस मैसेज में आपको आंसर क्लियर कर दूंगा। वो हो सकते हैं बायोटेक के हो, 12th का हो, 11th का हो, पूरे बॉटनी में कहीं का हो, कोई इशू नहीं, पूरे बॉटनी में कहीं का हो, आपको क्वेश्चन मिलता है आप भेज दीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस डाउट को पूरा कर दूंगा। ठीक है क्या? हाँ बोलो। नहीं सर, वो ना मेरे को पूछना है तो सर मैं मैसेज ही कर दूंगी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और सर आपने OGMS के सर यही वाले एग्जांपल बताना है ना, वीजा फेक, वी मतलब वॉल्वॉक्स, इसे सार्गेसम वीजा फेको, एफ मतलब फ्यूकस, और सी मतलब कोकीफेरा, क्लाइमाइडोमोनस कोकीफेरा। क्लाइमाइडोमोनस के अलग अलग स्पीसीज अलग अलग तरह का रिप्रोडक्शन करेंगे। क्लाइमाइडोमोनस का जो स्पीसीज है डेब्रियानम, वो करेगा आइसोगेमस, जो था ब्राउनी वो करेगा एनाइसोगेमस, और कोकीफेरा वो करेगा उगेमस, और रेड एल्गी तो सारे के सारे उगेमस ही करेंगे ना, तो हमें तो चार एग्जांपल ऐसे ही याद है पोपो गोगो। और सर एक और चीज सर, हम कौन सी बुक ले प्रैक्टिस के लिए? अब मैंने शायद तुम्हें एक दो बुक जरूर भेजा होगा, मैंने आपको दिशा वाली बुक भेजी होगी, जरूर भेजा होगा।